जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वे टू एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक हम एक सीरीज चला के आ रहे थे सीडीएस के क्वेश्चंस की, और आई होप आप लोगों को वो हेल्प कर रहा होगा, है ना, क्वेश्चंस को डील करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि हम 2022 के सीडीएस वन, 2022 के सीडीएस वन को भी सॉल्व कर रहे हैं। उसका सेट कौन सा है? सेट आपका है ए। तो उसके सेट ए को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो 36 से लेकर 50 तक हम फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि पेपर में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। चलिए, बाकी अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, क्वेश्चन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। और इस चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट डिफेंस फोर्सेस, अबाउट हाउ टू क्लियर सीडीएस, एफ कैट एंड अदर एग्जाम्स एज वेल, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन बहुत बड़ी सीधी हुई है भाई यहाँ पे, डरावनी सी, इज जीरो, जीरो है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स बताना है भाई आपको। एक चीज दी हुई है यहाँ पे क्लियरली, क्या दी हुई है कि भाई आपका सम ऑफ रूट्स है जीरो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो। अब आपको पता है, अगर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हो किसी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हमेशा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमेशा किसके बराबर? माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। पर यहाँ पे ये अप्रोच कुछ भी नहीं लगानी थी, सीधे सीधे क्या करना था आपको, गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा रूट्स का सम जीरो है, यानी कि इम्प्लाइज करता है ये अल्फा बराबर माइनस बीटा। क्लियर? अल्फा बराबर कितना हो गया? माइनस बीटा हो गया। अच्छा, दूसरी बात बताओ मुझे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका? इसमें होता है क्या आपका? सी अपॉन ए। क्लियर? अब इस इक्वेशन में तुम जाओगे, इसको देखोगे जरा ध्यान से, तो यहाँ पे सी कितना है भाई? -64, और आपका ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1, ठीक है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -64। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया ऐसे, माइनस बीटा, तो माइनस बीटा इंटू बीटा बराबर -64, इम्प्लाइज डेट बीटा का स्क्वायर बराबर 64। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? +-8, +-8 वैल्यू आ गई बीटा की। इसी तरह से अल्फा की, बीटा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस कितनी? 8। क्लियर है बात, है ना, क्योंकि जब बीटा की वैल्यू 8 लोगे तो अल्फा की -8 हो जाएगी, अगर बीटा की वैल्यू -8 लोगे तो अल्फा की वैल्यू +8 हो जाएगी। तो देखो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा कर दोगे हर केस में, 8 माइनस -8 करो, कितना हो जाएगा ये? 16। तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है ना, तो 16 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, एक अगर 8 है, दूसरा -8 होगा, है ना, तभी तो उनका सम कितना? जीरो आ रहा है। अगर डिफरेंस निकालूंगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके कितना हो जाएगा? 8 + 8 = 16 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 10,000, एक पीस ऑफ क्लॉथ है भाई, एक्स मीटर का क्लॉथ है, उसका रेट कितना है भाई? 10,000, 10,000। फिर बोल रहा है, इफ अ 2 मीटर लॉन्गर पीस ऑफ द सेम क्लॉथ इज परचेज फॉर द सेम अमाउंट, इट वुड कॉस्ट 250 लेस पर मीटर। देखो ध्यान से, अगर एक्स प्लस 2 मीटर मैंने खरीदा उसी उसी कपड़े का सेम रेट पे, 10,000 के रेट पे, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि 250 रुपीज पर मीटर आपको वो सस्ता पड़ता, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है पीस ऑफ क्लॉथ की। देखो, इस क्वेश्चन को सबसे करने का आसान तरीका वैल्यू पुटिंग से ही कर सकते हो आप लोग आराम से, ठीक है ना, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, या फिर एक्स की मान के भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं आएगी यहाँ पे। देखो ध्यान से, क्या कर सकते हो आप, 10,000 / x, ये तो हो जाएगा कि कितने रुपए पर मीटर है यहाँ पे, है ना, माइनस इसमें से कर दो, अगर आप 10,000 / x + 2, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 250 के बराबर। अब यहाँ पे बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, उसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो, बट मैं यहाँ से जाऊंगा ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू इसको करना और भी ज्यादा आसान हो सकता है, ठीक है ना।
अब देखते हैं हम ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे। देखिए पहले मैंने लिया कि ओरिजिनल क्लोथ जो मेरा है, ओरिजिनल क्लोथ वो मेरा है बच्चा कितना, 8 मीटर। क्लियर, तो 8 मीटर का रेट कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे। रेट कैसे निकालोगे आप, 10,000/8 करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी 8×8 2×5 0, तो 1250 रुपये, 1250 रुपये पर मीटर हो गया ये। क्लियर, अब आपने 2 मीटर एक्स्ट्रा लिया कपड़ा सेम रेट में, तो नया रेट क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल रेट है भाई, और न्यू रेट क्या हो जाएगा, 10,000/10, यानी कि हो जाएगा आपका 1,000 रुपये पर मीटर। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे 250 रुपये कम हो चुका है पर मीटर, यही तो बात बोली थी, यानी कि इसका ऑप्शन सिर्फ ए ही सही है। सीधे सीधे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका, अगर पहला ऑप्शन सही नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन हमें ट्राई करना होता है। क्लियर, आसान से हमारा आंसर निकल गया, 8 मीटर इज द राइट आंसर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ पूछा है आपसे। इसके आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हुआ है, पहले भी आया था, ठीक है, सीडीएस का। तो चलिए करते हैं, इसमें क्या है, व्हाट इज द कंडीशन डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई इक्वेशन है इसके रूट्स जो है, कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें इसके रूट्स C:1 में हो। तो पहली बात, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ साफ साफ दिया हुआ है कि α:β बराबर है आपका C:1, α:β बराबर है कितना, C:1। अब मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ये होगा आपका कितना, देखो इसको मैं अल्फा को मान लेता हूं मैं सी के, और बीटा को मान लेता हूं मैं कितना के, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका सी के प्लस के, यानी कि C+1 K। क्लियर, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, सी के इंटू के बराबर C²। क्लियर, अब आपको देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है AX²+BX+C, अब इन वैल्यूज को पुट करोगे आप किसके बराबर, देखो C²² किसके बराबर पुट हो जाएगा, C/A के, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा क्या होता है भाई, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा C/A के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है C/A के इक्वल आता है। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1/±1/√a, ठीक है, +-1/√a आपका के की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के लिए पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, -B/A। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होनी चाहिए -B/A, और यहाँ पे ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो करो के की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पहले इन दोनों को इक्वल करो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको मैं यहाँ शो करता हूँ, ये देखिए ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये सी और के रेशियो में, के फॉर्म में, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो चलिए पुट कीजिए C+1 K बराबर -B/A, K की वैल्यू यहां से उठा के पटक दो यहाँ पे, C+1 × K +-1/√a बराबर -B/A, अब चुपचाप इसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा C+1 का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ पे कितना आ गया, 1/A बराबर B²/A², देखो भाई A² है यहाँ पे, A है कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर आएगा B² बराबर A×C+1 का स्क्वायर। हाँ दोस्त समझ में आ रहा है, B² बराबर कितना आ गया भाई, बराबर A×C+1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर हो जाएगा B² बराबर A×C+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, समझ में आया। यार देख दोस्त, आपको एक चीज बताऊंगा मैं, कि जब भी मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं ना, तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सोचना है उसके ऊपर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना मेरे को, मैं आई विल टॉक अबाउट दैट, आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन लेटर ऑन, ठीक है। बाकी देखो मैथ्स से घबराना नहीं है, मैथ्स इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की तरह, और विषय की तरह, एक खुद का एक विषय है ये सिंपल सा, ठीक है, जैसे और विषय में आपको पढ़ने में टाइम लगता है, तो इसको भी समझने में थोड़ा टाइम लगता है,
अगर एक बार समझ में आ गया तो इसमें भी आपकी कमांड हासिल हो सकती है, ठीक है ना। मेरे भी आपने मार्क्स देखे होंगे, मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं, आपको दिखाया भी है, स्ट्रेटजी भी बताई है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्या पता वो हेल्प करें आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल दिए हैं भाई साहब, इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे भाई, ज्योमेट्री में घुसा दिया किसको, ज्योमेट्री में घुसा दिया एलजेब्रा को। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स जो है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मिंग राइट एंगल 6x2 2x2, माने दो साइड्स दिए हुए हैं आपको, एक साइड है आपका 6x2, एक साइड है बच्चा आपका 2x2 - 1, और एरिया दिया हुआ आपको किसका, एरिया दिया हुआ है 84 स्क्वायर यूनिट्स, 84 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्लियर। तो यही तो आपका बेस है और ये आपका हाइट है, तो 1/2 इंटू 6x2 इंटू 2x2 - 1 = 84। आपने देखा यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया 3, फाइनली आपको क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा अंदर, 6x⁴, 6x⁴ - 3x² 84 के इधर ले आओ -84 = 0। 3 कॉमन ले लो यहाँ से, 3 कॉमन आ रहा है, 3 × 2 = 6, x⁴ - x² - यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 6, 38 = 24, 28, ठीक है भाई। और उस 3 को यहाँ ले जाओ, 0 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को भाई कि 2x⁴ - x² - 28। अब देखो भाई ये भी सॉल्व हो जाएगा आराम से, इसको क्वाड्रेटिक के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, 28 × 2 कितना होता है 56, तो 56, 56 के रूट्स क्या क्या होंगे, एक 8 होगा, एक 7 होगा, ताकि -8 + 7 करके ये वैल्यू मिल जाए बीच वाली, है ना। तो करो -8x² + 7x² स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक रूट को सॉल्व करने के लिए इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। अब आपका कितना आ गया, देखो 2x² कॉमन लिया अंदर के बचा x² - 4 + 7 कॉमन लिया अंदर के बचा x² - 4 = 0। फाइनली आपका x² - 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2x² + 7 = 0। ये वाला रूट तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला रूट क्यों नहीं आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 2x² + 7 को मैंने क्यों कैंसिल आउट किया, ठीक है ना, क्यों इसको कैंसिल आउट किया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एक्स की वैल्यू आ गई आपका +-2। अब एक्स की वैल्यू +-2 का देखिए, +- दोनों लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो एक साइड कितनी आएगी, 6 × 2 × 2 यानी कि 24, दूसरी साइड कितनी आगी 2 × 4 - 1 यानी कि 7, एक आगे आपकी 24, एक आगे 7, और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी कितनी आएगी, 25 आ जाएगी, ये ट्रिपलेट बनाते हैं, 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट बनता है, इनका सम निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा 56, 56 इज द राइट आंसर, जो कि आपको पेरीमीटर निकालना था ट्राइंगल का, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 49 + 7 56 इज द राइट आंसर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रही होंगी चीजें बिल्कुल अच्छे से। चलिए भाई अब देखिए ये सवाल 40th क्वेश्चन है। अब देखिए इसको मैं कैसे ऑप्शन से करवाता हूँ, ठीक है, बड़े आसानी से हो जाएगा ऑप्शन से। अब क्या बोल रहा है कि ट्रेन एक्स टेक्स 2 आवर्स लेस देन अ ट्रेन वाई टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज। अब देखो भाई एक एक्स ट्रेन है, एक वाई ट्रेन है, डिस्टेंस जो है भाई आपका 192 किलोमीटर है, इसके लिए भी 192 किलोमीटर है। एक चीज बोल रहा है कि जो एक्स ट्रेन है ना इससे 2 घंटे कम लेती है, ठीक है ना, चलो इस डिटेल को हम बाद में यूज करेंगे। अब बोल रहा है देयर एवरेज स्पीड डिफर बाय 16 किलोमीटर पर आवर। भाई देखिए इनकी जो एवरेज स्पीड है ना वो डिफर करती है 16 किलोमीटर पर आवर से, चलो ये जानकारी हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन टेक टू कवर द जर्नी। अच्छा हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन से जल्दी जाएंगे, ऑप्शन से जल्दी करेंगे फटाफट इसको। अब ये पूछ रहा है कि फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन कौन सी, ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स वाली फास्टर ट्रेन है क्योंकि ये वाई से 2 घंटे कम लेती है किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, मतलब 192 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। अब इसकी मैंने डिस्टेंस, इसका जो टाइम मान ले रहा हूँ मैं, कितना मान ले रहा हूँ 3 किलोमीटर, सॉरी 3 3 आवर्स, इसकी टाइमिंग मैं मान रहा हूँ कितनी है भाई 3 आवर्स,
ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम। इसकी टाइमिंग मैंने मान ली आपका 3 आवर्स। अब देखो चलो ध्यान से, अब आपको ये बताना है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे स्पीड निकल जाएगी एक्स वाले की, एक्स वाले की स्पीड कितनी निकलेगी, 192/3 कितना आ जाएगा बताइए जरा, 6 18 64 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 64 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड आ गई, एक्स की, और वाई की कितनी हो जाएगी, वाई की हो जाएगी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्यों होगी 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको बताया गया है कि 16 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड में दोनों का डिफरेंस है, तो अगर एक की 64 है तो दूसरे की 80 होनी चाहिए। भाई जैसे इसकी 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये ज्यादा नहीं होगा, ये कम होना चाहिए, जो वाई की स्पीड है वो कम है, ठीक है ना, कम, तो माइनस करो यहाँ पे, माई बैड, 64 किलोमीटर में से -16 कर दो। क्लियर? तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 48 आ जाएगी आई थिंक, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 48 में 16 जोड़ोगे 64 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये टाइमिंग कितना होता है यहाँ से, कितना बैठता है, तो 192 को डिवाइड करो 48 से, तो कितना होगा चेक कीजिए जरा। देखिए साफ सा मुझे पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है वाई के टाइम की जो वैल्यू है, वो 5 आवर्स नहीं आ रही है, क्योंकि 5 आवर्स ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया है कि एक्स जो है वाई से 2 घंटा, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी माई मिस्टेक, बार बार उल्टा कर रहा हूँ, वाई को ना, ठीक है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। तो टाइम जो है वाई का कितना होना चाहिए, 5 आवर्स होना चाहिए, क्योंकि एक्स जो है वाई से 2 घंटा कम टाइम लेता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 48 अगर किलोमीटर पर आर है, तो अगर 192 को 48 से डिवाइड करोगे, 5 आवर्स बिल्कुल भी नहीं आपका आंसर आने वाला है। तो लेट्स चेंज द वैल्यूज, वैल्यूज को चेंज करते हैं। अब मैं कह लूंगा इस यहाँ पे फटाफट, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको करने में, समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, बट अगर आप नॉर्मली करोगे तो जल्दी कर लोगे। एक टी की वैल्यू मैंने 4 ले लिया, ठीक है 4 आवर्स। स्पीड कितना आ गया फटाफट करते हैं इसको, 192/4, 4 कितना आ गया भाई स्पीड, स्पीड यहाँ पे आ गया आपका 4 से डिवाइड किया आपने, 4 8 32, आपके आगे 48 किलोमीटर पर आवर। जैसे आपने इसको देखा यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स की स्पीड आ गई, तो वाई की स्पीड कितनी होगी भाई, वाई की स्पीड होगी इससे 16 किलोमीटर आपकी कम हो जाएगी स्पीड यहाँ पे एस वाई की, यानी कि आपका आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे आप 192 को 32 से डिवाइड करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 6 बार में आ जाएगा, 6 आवर्स आ जाएगा। तो ध्यान से देखो इसका टाइम कितना आ गया, 6 आवर्स आ गया, पहले वाला टाइम 4 आवर है, बिल्कुल सही आंसर है, मतलब यही आंसर होगा आपका, है ना, क्योंकि जो एक्स ट्रेन है वो इससे 2 घंटे कम भी ले रही है, दोनों के बीच में गैप भी कितने का है भाई, गैप भी कितने का आ रहा है, दोनों के बीच में जो स्पीड का गैप है वो भी कितना, 16 आवर्स का है। तो सारी चीजें फुलफिल हो रही है, यानी कि आंसर आपका सिर्फ हो सकता है बी, और बी, बी इज द राइट आंसर। अच्छा देखो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 3x+2y पॉजिटिव है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन, देखो ये डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से करना होता है, अगर ध्यान से समझ जाओगे तो आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते अगर आप समझ जाओ तो। अब आपसे पूछा है इज 3x+2y पॉजिटिव, तो आपके दो आंसर निकलेंगे, या तो येस निकलेगा या तो नो निकलेगा, यानी कि आपको इसे, आपको पता लग जाए कुछ ऐसा कि या तो इसका आंसर येस है या नो है, तब आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, मतलब एक्चुअली में ना। तो आपको इसके लिए आपको दो स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, क्लियर। तो यहां से आपको अगर इन दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देने में, तो आपको ध्यान से देखना है कि स्टेटमेंट पहला क्या बोल रहा है कि x³ बराबर है आपका -29.8, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी, यहाँ पे क्या आएगी भाई नेगेटिव आएगी। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है आपसे, सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि y³ बराबर है आपका 3 × x, तो y की वैल्यू देखो, अगर पहला स्टेटमेंट भी मेरे को चाहिए होगा ना इसके लिए, y की वैल्यू देखो, y बराबर है, q बराबर है 3x, अब मुझे नहीं पता है कि x कैसा है, x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो y भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि अगर पहले स्टेटमेंट को मिला दूं इसके साथ में, तो यहाँ पे x तो नेगेटिव आ रहा है पहले स्टेटमेंट में, तो सेकेंड स्टेटमेंट y भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 3x+2y की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव आ जाएगी, है ना, 3x+2y की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू
दोनों ही सफिशियंट है हमारे, दोनों की जरूरत है हमारे आंसर को देने के लिए। देखो स्टेटमेंट वन के बिना हमारा सिर्फ स्टूडेंट टू से काम नहीं चल सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज हमें पता नहीं कैसी कैसी है, नेचर क्या क्या है। अगर एक्स को भी इंक्लूड कर दूँ इसके साथ, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, तो जिससे मुझे पता लगा कि वाई भी नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल क्या बोल रहा है, 42। डज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैव रियल रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन। अब आपको सेम चीज पूछा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, आपसे पूछा है कि इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स हैं वो ऑपोजिट साइन के हैं क्या, ऑफ ऑपोजिट साइन, यानी कि इनका साइन अलग अलग है क्या। तो आपको फिर यहीं पे दो आंसर देने होते हैं, या तो यस या तो नो, या तो हाँ या तो ना। पहली बात तो उसने बोला है कि रियल रूट, तो रियल रूट्स के लिए डी तो बड़ा होना चाहिए जीरो से, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आंसर देने के लिए, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो डी है वो ग्रेटर देन जीरो है, ये हमें पता होना चाहिए क्लियर। सेकेंड चीज जिसने बोला है कि सी बाय ए इज ग्रेटर देन जीरो है, भाई ध्यान से देखो, कभी भी जब रूट्स ऑपोजिट साइन के होते हैं, यानी कि अल्फा आपका पॉजिटिव है और बीटा आपका नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे क्या असर पड़ता है। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर, ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नंबर आएगा तो, और अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, सी बाय ए के बराबर होती है। तो यानी कि किसी भी हाल में सी बाय ए की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, ना कि पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। बट इससे एक चीज पता लग रही है आपका कि जब जब सी बाय ए ग्रेटर देन जीरो है, इट इंप्लाइज दैट रूट्स आर ऑफ सेम साइन, मतलब रूट्स ऑपोजिट साइन के नहीं है। तो यानी कि मुझे आंसर इसका यस और नो, मुझे इसका आंसर पता लग रहा है कि यस होगा या नो होगा, ठीक है ना। और इसका ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट मुझे जरूरत है इसका आंसर देने के लिए, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला, कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर टुगेदर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ, आपको समझ में आ रहा है ये बात क्या बोली मैंने यहाँ पे, आपको आंसर बताना है यस या तो नो। नो करने के लिए भी दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, फर्स्ट की भी सेकंड की भी। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर टुगेदर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए एक और सवाल है ये वाला आपके सामने, 43rd वाला क्वेश्चन। कंसिडर क्वेश्चन इन टू स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, ऐसा कुछ क्या है, क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या ये पॉजिटिव होगा हमेशा। दो स्टेटमेंट दिए कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी और ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। जब ये दोनों स्टेटमेंट अगर फुलफिल हो तभी जाके ये बड़ा ग्रेटर देन जीरो होंगे, या फिर इनके बिना भी हो सकते हैं, इसका आपको आंसर देना है। तो ध्यान से देखो इस सवाल को करने कैसे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको हमने करवाया भी बार बार क्लास में, बताते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग उसको डील। इसको हम लोग क्या करते हैं, वन बाई टू से, मतलब डिवाइड, टू से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। ध्यान से देखो जरा ध्यान से, अब देखो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ सबको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस इसका बी स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस जो इसका ए स्क्वायर बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे सी ए लिख दो, टू सी ए माइनस टू सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर बचा है वो आ गया यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको देखो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस जगह बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो भाई ये स्क्वायर वाला स्टेटमेंट स्क्वायर स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी चाहे ए बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो, की वैल्यू क्या हो, कुछ भी हो, यानी कि ए बी सी की वैल्यूज पे पर्टिकुलरली डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कि स्टेटमेंट वन की भी जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट टू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पे,
आंसर वुड बी नाइदर स्टेटमेंट वन नॉर स्टेटमेंट टू इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। इन दोनों स्टेटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ स्टेटमेंट पहली जो है, मतलब पहला जो केस है अपने आप में ही वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, सब डिस्टिंक्ट है, मतलब ए बी सी इक्वल नहीं। देखो ध्यान से, अगर ए बराबर बी बराबर सी हो जाए तो ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, है ना, जीरो के बराबर होगी, यानी कि पॉजिटिव नहीं है। जीरो के बराबर मतलब जीरो के बराबर पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव मतलब जीरो के बराबर नहीं होता, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा। तो पहले साफ साफ दिखा हुआ है कि ए बी और सी आर डिस्टिंक्ट है, सारे डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी आपका आंसर आ गया आराम से, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है आपका कि एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ग्रेटर देन, बोल रहा है आपसे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2। क्लियरली गिवन है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो तो कहीं कहीं से नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी, है ना, बड़ी या छोटी जो भी है। अब देखो ध्यान से, इस सवाल को कैसे डील करना था, आपसे पूछा पहले स्टेटमेंट कि ऐसा कब होगा, क्या ये हमेशा इससे बड़ा होगा, कब होगा बड़ा, जब एक्स बड़ा है वाई से, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है टू एक्स वाई से। तो देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन था, बच्चों को दिक्कत आई इसको करने में। तो इसमें देखो दिक्कत की कोई भी बात नहीं थी, आप चुपचाप उठाकर एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दो, दो पुट कर दी, वाई की कोई वैल्यू पुट कर दी मैंने, वन पुट कर दी, ठीक है। जैसे पुट करोगे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 6, 2 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, और ये वैल्यू कितने आ गई, देखिए ये हो गया आपका 64 प्लस 1 65/17, यानी कि आपका 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गई, ठीक है ना। सेकेंड वाली वैल्यू पकड़ो इस वाले को, 4 2 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, ये आ गया आपका 17/5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। या हाँ, साफ पता लग रहा है कि एक्स की जो ये वैल्यू है ये बड़ी है किससे, इस वाली वैल्यू से। अब अच्छा एक चीज सोच कर देखो जरा, अगर एक्स बराबर 1 पुट कर दूं और वाई बराबर 2 पुट कर दूं, तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तब भी तो सेम रहेगा। तो यानी कि इसमें देखो, एक्स बराबर 1 पुट करो, वाई बराबर 2 पुट करो, सब सेम है, मतलब एक्स भी सेम है वाई भी सेम है, एक्स और वाई की वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा ये जो वैल्यू है ये इससे ग्रेटर ही आने वाले, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों की ही जरूरत नहीं थी यहाँ पे, इनके बिना भी मुझे आंसर पता है, आंसर होगा सिर्फ डी। इनके बिना भी मुझे आंसर पता है और आंसर होगा डी। क्लियर है बात, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल ध्यान से अच्छे से। अगर कभी समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ओवर देयर। अच्छा अब लिखा है कि हाउ मेनी क्वालिटी क्वेश्चंस, भाई कितनी क्वालिटी क्वेश्चन ऐसी हैं जिनका सम ऑफ रूट्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बोला है बराबर होना चाहिए अल्फा बीटा के, कितने रूट्स हैं ऐसे जिसमें ऐसा होता है, 0 1 2 इनफाइनाइटली मैनी। इसका आंसर सिर्फ डी है, इनफाइनाइटली मैनी। कैसे होता है देखो ध्यान से, अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस माइनस सी टाइप की, ठीक है ना, बराबर माइनस सी नहीं माइनस बी बराबर 0, तो ध्यान से देखो इसका सम ऑफ रूट निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये भी माइनस बी हो जाएगा। तो यानी कि ये भी इक्वल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा माइनस बी के बराबर है। अब भाई देखो, अब इतनी सारी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो यहाँ पे, बी की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-2 = 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x-5 = 0। तो यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं आराम से। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, इनफिनिटली मैनी क्वेश्चन कैन बी देयर, कि जिनके भाई क्या हो रूट्स का सम और उनका प्रोडक्ट सेम सेम आए, ठीक है। तो
तो चलिए 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट करते हैं जरा इसको, इसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं आराम से, वैल्यू पुटिंग से आराम से हो जाएगा। थीटा बराबर चुपचाप उठा के पुट कर दो 0 डिग्री। जैसे ही 0 डिग्री पुट करते हो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, साइन थीटा कितना, साइन 0 कितना 0 होता है, 1 प्लस साइन 0 कितना 0, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक्स की वैल्यू टोटल आ गई आपकी 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आपसे पूछा इसकी वैल्यू पूछा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है, तो चेक करते हैं इसकी वैल्यू। साइन थीटा 0, साइन 0 प्लस साइन 0 की वैल्यू कितना 0, प्लस कॉस 0 1 माइनस 1 अपॉन कॉस 0 कितना होता है 1, इससे कटा 0 अपॉन 1, यानी कि आंसर आ गया यहाँ पे 0। अब मुझे बताओ कि ये 0 है यानी कि एक्स के ही इक्वल है, यानी कि जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू भी 0 के बराबर है, यानी कि 0 के बराबर को मतलब है उसकी वैल्यू एक्स के ही तो बराबर होगी, क्योंकि एक्स का मान खुद 0 है और यहाँ पे ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सही, बी आंसर इज द राइट आंसर। अब देखिए 47 क्वेश्चन कितना आसान है, 1 सेकंड का आसान क्वेश्चन है ये। कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 0, 0 कॉस कितने वैल्यू पे आता है, ये कॉस 90 पे 0 होता है, तो कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू बराबर कॉस 90 डिग्री, और आपका वैल्यू दिया है यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है साइन 30 के बराबर, यानी कि 1/2 के बराबर। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और एक्स माइनस वाई हो गया आपका 30 डिग्री। ये तो बच्चों वाले सवाल है, 10th क्लास का सवाल है, ठीक है, आराम से कर सकते हो इसको। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, 2x बराबर 120 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 डिग्री आ गई। आपसे पूछा है कॉट 2x माइनस वाई, कॉट कॉट लिखा 2x कितना, मतलब 2 गुणा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कॉट 90 डिग्री भाई, कॉट 90 क्या होगा, कॉस 90 अपॉन साइन 90, कॉस 90 कितना होता है 0 अपॉन 1, यानी कि आंसर हो गया 0, तो 0 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। ठीक है भाई, ज्यादा जोश जोश में थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बन गया, तो क्या आंसर हो गया भाई। हाँ जी, देखो तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास, लिटरली बता रहा हूँ बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी अगर तुम कहोगे कि सीरियस में कम नंबर आए हैं तो ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, अच्छा ठीक, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, कुछ इक्वेशन दिए हुए आपसे, उससे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो पहले इक्वेशन लिखो, ध्यान से देखो क्या इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन है ना इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये है आपका एक्चुअली में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2। ये वैल्यू क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 है, ठीक है ना, उसको खोलोगे तो सेम आ जाएगा ऐसे करके। अब इसको तुम एक चीज और लिख सकते हो, एक काम करो इसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। ऐसा क्यों लिखा मैंने अभी बताता हूँ अभी आपको। अब ये जो वैल्यू है ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है इस पूरे का स्क्वायर। अब भाई कॉस 2 थीटा की वैल्यू है ना, जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी कॉस 2 थीटा की, कॉस स्क्वायर 2 2 थीटा का स्क्वायर जो है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है ना, 0 से नीचे नहीं आ सकती क्योंकि नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाता है। तो इसकी जो है कॉस 2 थीटा का स्क्वायर जो है, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0, तो आंसर वुड बी ए। आंसर कितना हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका ए। अच्छा 49th क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर आपका है 2। इसको उधर लेके चला, देखो भाई एक ही केस बन सकता है जब इन दोनों की वैल्यू 2 के बराबर होगी, कब हो सकता है वो, जब थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री हो, तो कॉस 0 भी 1 होता है, सेक 0 भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 1। अब भाई पावर कितनी भी कर दो क्या फर्क पड़ता है, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, 0 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। तो 49th क्वेश्चन में आराम से, भाई ट्रिग्नोमेट्री तो 1 सेकंड में हो जा रही है आराम से, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आ रखे थे, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको देखो जरा ध्यान से,
वाई बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इम्प्लाइज डेट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैंने जानबूझ कैसे लिखा है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कभी भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो कि एक्स प्लस 1 बाय एक्स हो, एक्स प्लस 1 बाय एक्स टाइप का को कोई भी एक्सप्रेशन हो और एक्स की जो वैल्यू हो वो रियल नंबर्स हो, रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर्स हो, इमेजिनरी ना हो, इस केस में हमेशा जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू होती है, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है, और लेस देन इक्वल टू -2 होती है जब एक्स लेस देन 0 होता है। क्लियर, सबको पता है ये बात, मैंने बताया भी था सब बच्चों को कि एक्स प्लस 1 बाय एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 या एक्स प्लस 1 बाय एक्स लेस देन इक्वल टू होगा -2। एक्स पावर 1 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, और -1 पे कितना हो जाता है, -2, ठीक है, इनके बीच में कभी नहीं आएगी कोई भी वैल्यू, ठीक है ना। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स की जो वैल्यू है ना 0 से बड़ी है और पाई बाय 2 से छोटी है जस्ट, तो हमेशा इस जगह पे जो कॉस एक्स की वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव यानी कि एक ही केस बन सकता है ये वाला, तो यानी कि जो वाई एक्सप्रेशन है वाई बराबर एक्स प्लस 1 बाय एक्स टाइप का, तो वो वैल्यू हमेशा ही 2 से बड़ी होगी, हमेशा ही 2 से बड़ी होगी, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को कभी कभी वो ऐसा पूछ लेता है वाई बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, भाई ये भी तो सेम चीज है कि टेन थीटा हो गया प्लस 1 बाय कॉट थीटा हो गया, 1 बाय टेन थीटा हो गया, तो ये एक्सप्रेशन भी भाई 2 से बड़े तो आएगी इसकी वैल्यू, या तो 2 से बड़ी आएगी या तो 2 से नेगेटिव हो जाएगी, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको डील करना था, तो अभी तक 15 क्वेश्चन हमने किए हैं, आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे, ठीक है ना। पूरी कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को एक सही अप्रोच में आंसर को बताया जा सके, ठीक है ना, और कितनी जल्दी आप पेपर में इसको कर सकते हो उस तरीके को मैंने तुमसे डिस्कस किया है और बेसिक मेथड भी तुम्हें समझाया है। तो आई होप अगर आपको ये अच्छे से लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही कंटेंट को बार बार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ और कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। हम लोगों ने भी सीडीएस का एग्जाम दिया है और कई बार निकाला है, कई बार क्लियर किया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वी कैन गाइड यू, तो दोस्त आप लोगों को हम गाइड कर सकें, अच्छे से समझा सकें, तो इसका एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं वीडियो अकेडमी के जरिए। जल्दी आप लोगों के सामने मैं ईडियम्स और फ्रेजेस भी लेके आऊंगा, और ईडियम्स की जो पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है अपनी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ, वो आपको मैं जरूर जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा भी इंग्लिश पे कुछ लेक्चर्स लेके आएंगे और एफकेट के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाएंगे, तो जल्दी से बताइएगा कि कौन से लेक्चर या कौन सी वीडियो आपको पसंद है और कौन सी वीडियो आपको देखनी है, तो मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या पढ़ना है क्या देखना है, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो चलते हैं आज की इसी लेक्चर के साथ, सेशन को समाप्त करते हैं, जय हिंद दोस्तों, सी यू अगेन।